हे गाइड्स, नितिन मेरे चैनल स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मैं बेस्ट कैमरा अंडर 50,000 के बारे में। तो वैसे तो आपके पास कैमरा ब्रांड के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, निकॉन, कैनन, सोनी, फूजी फिल्म्स, पैनासोनिक, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। एंड 20,000 से लेके 5 लाख तक के ढेर सारे कैमरा ऑप्शंस भी हैं। तो इसमें से अपने हिसाब से परफेक्ट कैमरा चूज करना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 50,000 का एक मिड रेंज लेके चल रहा हूँ। अगर मैं सारे रेंज लेके चलूंगा 20,000-30,000 का, तो आपके लिए कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। बट फ्रेंकली अगर आप 50,000 का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 20,000 या फिर जो भी आपका बेस कैटेगरी का कैमरा है आप वो ले सकते हो। सेकंड हैंड कैमरा भी ले सकते हो, अगर आपकी फोटोग्राफी धीरे धीरे आपने स्टार्ट ही है, आप सीख रहे हो एक्सपोजर ट्रायंगल को, आप फंक्शनैलिटी सीख रहे हो कैमरे की, तो आप सेकंड हैंड या फिर बहुत लोअर एंड का कैमरा ले सकते हो, फोटोग्राफी सीख सकते हो, अपने इंटरेस्ट को और डेवलप कर सकते हो। बट अगर आपने आप कहीं फोटोग्राफी की है, आपने कैमरा अभी तक नहीं लिया है, आपको बट थोड़ी बहुत फोटोग्राफी आती है, तो उस कंडीशन में आपसे कहूँगा आप स्टार्टिंग करो 50,000 के रेंज से। क्योंकि ये एक ऐसा कैमरा है, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे कमर्शियल वर्क भी कर सकते हो, एंड अगर फ्यूचर आप में अगर आपको शिफ्ट भी होना है किसी फुल फ्रेम कैमरा में, तो भी ये कैमरा आपको एक सपोर्ट कर सकता है एक बैकअप कैमरे के तौर पे। तो 50,000 के रेंज में मैंने जो कैमरा ब्रांड सेलेक्ट किया है वो है कैनन। अब निकॉन और सोनी मैंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, एंड फ्यूजी फिल्म क्यों नहीं सेलेक्ट किया, उसका भी बहुत अलग रीजन है। क्योंकि उनके जो कैमराज हैं उनके भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो 70,000 पे कोई आते हैं, निकॉन कैमरा 20-30,000 पे अच्छे कैमरा ऑफर करता है। बट एक 50,000 का जो रेंज है उसमें अगर मैं देखूं, अगर एक जो बैलेंस रेंज है या फिर अगर मैं कहूं बैलेंस कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कैनन ही जो है वो सबसे अच्छा सर्व करता है। या अगर मैं बात करूं आपके पास लेंस की चॉइसेस की, तो वो आपके पास ढेर सारी होती हैं। वो लेंस की क्वालिटी, वो लेंस का प्राइस भी अगर मैं कहूँ तो वो भी बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, बहुत ज़्यादा उसकी रेंज बाहर नहीं आपसे रहती है। तो उस कंडीशन में कैनन ज़्यादा अच्छा ब्रांड है मेरे हिसाब से। तो इस कैटेगरी में कैमरे की बात करूँ तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कैनन M50 जो एक मिररलेस कैमरा है, एंड दूसरा ऑप्शन जो कि आपका है कैनन 200D Mark II जो कि एक DSLR है। पिक्चर क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी में बात करूँ तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। हाँ, कुछ फीचर्स में डिफरेंस है, बट आपको अगर फिर भी मिररलेस एंड DSLR के बारे में कुछ डिफरेंस जानना है तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कैनन M50 के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 24 MP का क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा। तो क्योंकि ये मिररलेस कैमरा है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ वीडियो स्पेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे 4K 20 FPS पे शूट कर सकते हो, एंड अगर आप स्लो मोशन शूट करते हो तो आप HD में 120 FPS तक शूट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फोटोग्राफी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 99 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड उसके अलावा अगर आप ब्रश में शूट करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में शूट करते हो, तो आपको 10 फ्रेम तक शूट कर सकते हो, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। उसके अलावा ये लाइट वेट है ही, आपको बहुत इजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है इसका माउंट। जी हाँ, यहाँ पे आपको माउंट देखने को मिलता है EFM माउंट, जो कि एक नया माउंट है कैनन ने इंट्रोड्यूस किया है मिररलेस बॉडी के लिए। ये आपके ट्रेडिशनल जो आपके EF माउंट है उनसे हटके होता है। अगर आपको EF लेंसेज लगाने हैं तो आपको अलग से माउंट खरीदना पड़ेगा, एंड उसको लगाने के बाद आप EF के कोई भी लेंसेज यूज़ कर सकते हो कैनन के। तो ये तो बात हो गया M50 की, अब हम बात करते हैं 200D की। तो यहाँ पे आपको सेम 24 MP का क्रॉप सेंसर बॉडी मिलता है, बट ये एक DSLR है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं मिलता है, आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिलता है, जो कि एक जो ट्रेडिशनल DSLR में आपको मिलता है, यहाँ पे आपको वही मिलता है। इसके अलावा अगर मैं वीडियो फीचर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सेम 4K आप 24 में शूट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको एक चीज जो ड्रॉबैक मिलता है वो मिलता है आपको स्लो मोशन 120 नहीं मिलता है, आप 1080 में 60 फ्रेम पे शूट कर सकते हो, इसको स्लो कर सकते हो, बट आपको ये 120 वाला फील नहीं देगा जो अल्ट्रा स्लो मोशन आपको मिलता है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो फोटोग्राफी में आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली M50 के हिसाब से आपको ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा कम मिलता है, आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम है। एंड अगर आप ब्रश पर शूट करते हो तो वो भी आप यहाँ पे कम, यानी 5 फ्रेम पर शूट कर सकते हो, यानी वहाँ पे आप 10 पे कर सकते हैं, यहाँ 5 पे शूट करना पड़ेगा आपको, तो ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट नेवर माइंड, अगर आप ज़्यादा ब्रश पे शूट नहीं करते तो आप यहाँ काम चला सकते हो। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये थोड़ा सा बल्कि है, बहुत ज़्यादा आपसे कह सकता हूँ M50 से थोड़ा ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, मतलब स्टिल ये लाइट वेट है। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं बात करूँ माउंट की, तो यहाँ पे आपको सेम EF माउंट देखने को मिलता है, जो आपके सारे कैनन माउंट में EF माउंट ही जो आपको ट्रेडिशनल मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा। तो आप सारे जो EF के लेंसेज हैं वो ईजिली यहाँ पे लगा सकते हो, आपको किसी तरह के अलग से अडॉप्टर पे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई खर्चा नहीं है आपका। तो 50,000 के हिसाब से दोनों कैमरे बेस्ट हैं। अब इन दोनों में से कोई अगर आप एक पिक करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा पिक करो। आप मिररलेस के लिए M50 भी जा सकते हो, अगर आप DSLR भी जाना चाहते हो तो आप 200D भी जा सकते हो। दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, वीडियो के हिसाब से चाहे देख लो, चाहे फोटोग्राफी के हिसाब से देख लो। बट अगर कुछ कुछ कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आप देखना चाहो, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ M50 की, तो M50 थोड़ा सा लाइट वेट है देखने को, अगर आप व्लॉग शूट करते हो, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आप बाहर आउटडोर शूट करते हो, यूट्यूब पर शूट करते हो, ऑटो फोकस पॉइंट अगर आपको ढेर सारे चाहिए, फोटोग्राफी में जैसा मैंने कहा आपको
10 FPS तक आपको शूट करने का ऑप्शन मिला, अगर आप ये ज़रा शूट करते हो तो वो आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है M50। बट इसके ऑपोजिट अगर आप DSLR में शूट करना चाहते हो, अगर आप OVF में शूट करते हो, आपको अगर बैटरी लाइफ में कहूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी हाँ M200D मिलती है कंपेरेटिव टू M50, क्योंकि M50 क्या एक मिररलेस कैमरा है तो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है एंड बैटरी की साइज़ भी स्मॉल होती है, तो उस कंडीशन में जो 200D Mark II है वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस हिसाब से एंड सबसे अच्छा जो एक और मैं कहूँ अगर बेस्ट एक डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि माउंट साइज़। M50 में आपको EFM माउंट साइज मिल रहा है, लाइक अगर आपको EF लेंसेज यूज़ करने हैं तो आपको अलग से अडाप्टर खरीदना पड़ेगा। अडाप्टर की अगर मैं प्राइस बताऊं तो आपको 6 से 7 thousand आपको प्राइस पड़ जाएगी, तो वो एक एडिशनल खर्चा है आपका जो आपको 200D में नहीं करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन की बात करो तो मेरे हिसाब से M50 ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको सारे फीचर 200D वाले यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ऑटो फोकस पॉइंट आपको 200 ज़्यादा मिल रहा है। अगर बात करूँ आपकी बैटरी की तो आप बैटरी एक्स्ट्रा परचेस कर सकते हो, एंड अगर एक और जो इशू है आपका लेंस वाला इशू है उसके लिए अगर आपको अलग से अडाप्टर खरीदना पड़ रहा है तो भी मुझे लगता है एक अच्छा वर्थ इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज उसके बाद क्या होगा, आपके पास EFM के भी जो जितने लेंसेज हैं वो आपके पास रहेंगे, आप EF के लेंसेज भी इजीली लगा सकते हो, तो आपका जो लेंस की वैरायटी हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू द 200D। तो उस हिसाब से मुझे लगता है M50 ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मैं बात करूँ EVF की तो EVF आपकी वर्क एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप नंबर ऑफ शॉट्स कम लेते हो, एक्यूरेट लेते हो शॉट्स, एंड उसके अलावा अगर मैं ऑटो फोकस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट मिल रहा है, तो वहाँ भी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से M50 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट आप क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको M50 ज़्यादा सही लगता है या 200D सही लगता है, या कोई और कैमरा आपको लगता है इस प्राइस रेंज में ज़्यादा अच्छा कैमरा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलना। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी ट्रिप ट्रिक से न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। साथ मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय पीस। हे गाइस, नितिन मेरे चैनल स्वागत है और आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे